जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हो सकता है आप सब ने देखा होगा। सीआरपीएफ के एक जवान पर उन्हीं के एक अधिकारी डीआईजी ने गर्म पानी फेंक दिया और गर्म पानी फेंक कर जवान का यह चेहरा जला दिया और यह हिस्सा जला दिया, मतलब उसके चेहरे पर फेंका और फिर उसके यहां पानी गर्म डाल दिया, जिससे वो जवान झुलस गया। इससे बड़ी हमारे देश में विडंबना क्या हो सकती है कि अपने ही जवान को अपना ही अधिकारी इस तरह की यातना दे। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह होती है कि अभी तक किसी न्यूज चैनल ने या किसी भी फिल्म स्टार ने या किसी भी सरकार के नेता ने, भाई जो किसी ने इस घटना की निंदा नहीं की। बस जो हमारे जैसे जवान हैं वो इस वीडियो को आगे से आगे वायरल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, किसी अधिकारी ने भी उस अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और इसका कारण क्या है कि जवानों की इस देश में इज्जत नहीं। जवानों को, पैंतीस जवान इनके घरों में नौकरों की तरह काम कर रहा है, इनके झाड़ू पोछा कर रहा है, इनकी रसोईयों में काम कर रहा है। पैसा किसका है? वो गवर्नमेंट का पैसा, सरकारी पैसा, लेकिन नौकर समझते हैं ये जवान को। 1% जवान की ना तो फोर्स के अंदर इज्जत है ना सिविल डिपार्टमेंट में। आए दिन आप घटना सुनते हो, कहीं पुलिस वाले ने एक फौजी को कूट दिया, कहीं किसी को। तो फौज के अधिकारियों की वजह से हमारी इज्जत नहीं है। और अब इज्जत तो दूसरी बात है, इस तरह की घटना कि एक जवान के ऊपर गर्म पानी डालकर उसको चला दिया गया। सबसे पहले मैं उस डीआईजी को कहना चाहता हूं, अरे बहन जो कुत्ते, तेरे को अगर पावर दी गई है, अंग्रेज की औलाद, तुझे अंग्रेजों के बराबर वो अधिकार दिए गए हैं, तो क्या तू अपने आप को अंग्रेज समझ बैठा है और जवान को क्या गुलाम समझ रहा है? इस करने का फल उसको जरूर मिलेगा, लेकिन कमी किसकी है? हमारी, जवानों की कमी है। क्योंकि उसके लिए कोई गवाह देने के लिए कोई जवान तैयार नहीं होगा। मेरे को पता है, मैंने कुछ जवानों से बात की, उस जवान से तो अभी तक बात ही नहीं हो पा रही। उस जवान को भी दबा दिया जाएगा, इस हिस्ट्री को घुमा दिया जाएगा किसी भी प्रलोभन के लालच में या किसी में। उस डीआईजी की पहले की हिस्ट्री भी काफी जवानों ने मेरे को बताई कि ये पहले भी इसी तरह जवानों के साथ उल्टे सीधे बर्ताव करता है। इसने पहले जवानों के सरेआम जवानों को पीटना, जवानों को पीछे बैठ कर लात मारना, थप्पड़ मारना, जवानों के वर्दी फाड़ देना, मतलब ये पहले भी कर चुका। तो ऐसे पागल अधिकारी को, उसको सड़े को कुत्ते कहे या उस हरामखोर को क्या कहें? मन तो मेरा इतना कर रहा है कि इस मादरचोद को जितना हो सके गाली दूं और कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा सबक सिखाया जाए, लेकिन हम मजबूर हैं। और मजबूरी का कारण क्या है कि कोई ना कोई भी जवान गवाह के लिए तैयार नहीं होगा। एक तरफ तो फोर्स में हमें सिखाया जाता है कि जवान जवान के लिए जान भी दे देता है, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, कहीं भी हो, हमें कम्युनिटी सिखाई जाती है कि इतनी एकता में रहो कि आप अपने साथी के लिए जान भी दे दो। लेकिन यहां किसी से बात करो तो क्या करे सर, नौकरी का सवाल है। यानी ये पेट, बोलते ना पापी पेट, जान से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं एक चीज फिर भी कहना चाहता हूं कि सच्चाई के लिए किसी जवान ने हिम्मत करके वायरल जो वीडियो किया है, अगर कोई ना कोई और जो ठोस आदमी होगा, जो होगा, जो जरूर गवाही देगा और उस डीआईजी को, उसको बैंचों सलाखों के पीछे जाना होगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसके लिए किसी न किसी जवान को आगे बढ़ना होगा। जो उसके आसपास के जवान हैं, मैं चाहता हूं कि उस जवान से बात कराई जाए या उस जवान के परिवार की तरफ से उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। नहीं तो वो पागल बहन जो आज ऐसे कर रहा है, कल किसी और के ऊपर सजा देगा। और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो मैं पहले बता चुका, चैनल से जुड़े हैं लोग बार बार मेरे पास, काफी लोगों ने वीडियो भेजा कि सर उसका कुछ करो, लेकिन मेरी ताकत आप लोग हो। आप जब तक वीडियो को वायरल नहीं करोगे, आगे से आगे लोगों तक भेजोगे नहीं, एक एक जुटता नहीं दिखाओगे कि हाँ हम एक हैं, तब जाके सरकार का कान खड़ा होगा और सरकार कुछ करेगी। वरना सरकार भी इन अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये सरकार के भी बाप बनकर बैठे हैं। सरकार तो 5 साल में बदल जाती है, लेकिन इस तरह के गधे बैंचों पता नहीं क्या ले देकर कैसे बनकर बैठ जाते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो मालिक बन गए इनके। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे सेना हो, चाहे CRPF, कोई भी हो, एक जवान से लगाकर जनरल तक या इनका DIG IG जो भी, सब सेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकर हैं। कोई किसी का बाप नहीं है, जो तुम इन्हें गुलामी की तरह इनसे काम भी करवाते हो और फिर इस तरह के अत्याचार भी करते हो।
अगर आप चाहते हो कि उस जवान को न्याय मिले, एकजुटता से उस वीडियो को, इन वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि उस हरामखोर को सबक मिल सके। और उस डीआईजी को और ऐसे तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि बुराई का अंत निश्चित है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि चाहे ये सहायक सिस्टम हो, इस तरह के जवानों पर यातनाएं हो, जवानों का शोषण हो, ये बंद कर दो, वरना ये देश के लिए भी और आपके लिए भी घातक होगा। और जवानों से मैं फिर कहना चाहता हूं, एकजुटता चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहो। और इस तरह के वीडियो को मेरे से मेरे पास भेजकर काम नहीं चलेगा कि मेरे को भेज दिया और मैंने सरकार तक, मैंने कोशिश कर ली, मैंने गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखा है, एक और अधिकारी है जिन्होंने खुद अधिकारी होकर भी एक उसके ऊपर FIR की बात की है, वो भी वीडियो मैं आपको इसी चैनल में आगे अपलोड कर रहा हूं। और आप लोगों की भी बनती है कहीं ना कहीं से उसके घर परिवार से अगर उसका कोई भी संपर्क होता है तो मेरे तक जरूर पहुंचाए ताकि उसके खिलाफ हम कोर्ट में और पुलिस में भी उसके ऊपर FIR करें ताकि उसको सलाखों को पीछे भेजें। लेकिन वो जब होगा जब आप लोग साथ दोगे, क्योंकि उस जवान को डरा धमका कर ये केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और फिर कोई जवान फिर बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये तो शुक्र करो कि वह जवान बच गया, नहीं तो ये तो पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिनमें जवान को जान से भी मार दिया गया। तो आप चाहते हो कि इस तरह के हरामखोर को सजा मिले तो एकजुट हो, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो और कोई ना कोई जवान आगे बढ़ो गवाही देने के लिए कि हाँ हमने देखा है इस माधव चौक में पानी डाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।